चलिए बीजेपी का अनिल राज भर है ना, हम लोग गांव में घुस नहीं रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं, आएंगे तो भरेंगे। अरे भाई साहब, पाँच साल में क्या डमरू बजा रहे थे? पाँच साल डमरू बजा रहे योगी जी, बनारस किला है मोदी का बेटे आए, मगर इनका कैरेक्टर जो ढीला है। ये भैया अनाज की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है। मेरे पास ये रहेगा ना ये रोकड़ा, तो हम अनाज खरीद लेंगे। अभी हम पहुँचे हैं बनारस, वही बनारस मोदी जी का गढ़ बनारस, जहाँ पे दो बार सांसद रह चुके, मौजूदा सांसद हैं, और लगभग सभी सीटें जो है बनारस में विधानसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और अभी भी दावा कर रही बनारस में सरकार की, हम सरकार जो है 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बनारस में फिर से भगवा लहराएंगे। लेकिन मैं जिस ग्राउंड में मौजूद हूँ, यहाँ पर सारा हरा लाल लाल हो चुका है ग्राउंड। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या होगा, बहुत सारे लोग, एक दो लोग हमें ऐसे मिले जो, कहाँ से आए आप? मैं आंध्र प्रदेश से आया, ये एमपी कंटेस्टेंट लंबी अप्पल राजू है, विशाखपट्टनम अनकापल्ली एमपी कैंडिडेट है, मैं अखिलेश अभिमानी है, अखिलेश अभिमानी आंध्र प्रदेश से आए हैं बनारस, बनारस में अखिलेश यादव से मिल रही है, कह रहे हैं कि मैं सांसद एमपी के जो है वहाँ पे प्रत्याशी है, और अखिलेश की दीवानी वहाँ भी है क्या? हाँ वो उधर भी है, वह पार्टी है, इम्प्रूव करते हैं उधर, हाँ उधर से इधर का चुनाव जरूर आता है ना, इसलिए उधर प्रचार करने के 50 लीडर्स हैं, 500 कार्यकर्ता आया इधर को, ये तिरुपति, नेल्लूर, विशाखपट्टनम, विजयवाड़ा, सबसे आंध्र प्रदेश 13 डिस्ट्रिक्ट में आया इधर को, अरे खाली अखिलेश यादव का अभिमानी से। अच्छा, कह रहे हैं कि जैसे आप तिलक लगा रख बैठे हैं, कहते हैं तिलक वाले भाजपा के साथ ज्यादा रहते हैं आप, उधर भी भाजपा कोई भी मेरे आंध्र प्रदेश में एक खाल एक सीट भी नहीं है उसका, नहीं है एक वोट भी नहीं है, सीट नहीं है, वोट नहीं है, आंध्र प्रदेश में 2024 एमपी में कंटेस्टिंग है 100% अखिलेश यादव पार्टी आ गया, बाबा जी विदाई तय है, ये है बाबा, बाबा क्या बाबा किये है? अरे चीलम डोर बना, चीलम का दम मार के कोने में लुढ़क जाते हैं बाबा, चीलम मार के, चीलम मार के, चीलम चोर, डोर बना तो कर रहा था टोटी चोर, मगर वो है चीलम चोर, टोटे चोर तो अखिलेश, अरे 10 मार्च को हम लोग उसमें खुदाई करेंगे कितनी चीलम छिपा कर रखा है बाबा, किसकी खुदाई करेंगे? अरे जहाँ पर बैठता है बाबा, लखनऊ सीएम ऑफिस में, लखनऊ लखनऊ सीएम ऑफिस में खुदाई करवाएंगे, मैं कट्टर बनारस वासी हूँ, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्यों तो बना दिए तब भी, क्या कोई तो बनाया है, जरा बनारस में हमारे घूम जाइए भैया, कहीं कीचड़ कहीं साला बदबू कहाँ वो बनाया है, खाली झूठ बोलता है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, नहीं बुलाया क्या? अरे कभी बताया कि किस कारण बुलाई है माँ गंगा? विकास करने गंगा के, कहाँ वो विनाश कर दिया है, हाँ। बनारस का विनाश हो गया है, विकास नहीं हुआ मेरे भाई, बदलाव देखते हैं, 10 साल मनमोहन सिंह थे, हाँ। एक बार बनारस नहीं आए मगर बनारस का विकास होता था, हाँ। ये तो हर महीने आ रहा है 15 करोड़ 20 करोड़ कमा रहा है, अरे तो वही ना, फिर 20 करोड़ कमाएगा, बनारस वालों को ऊपर कर्जा ला देगा, कर्जा ला क्या लगेगा, भोले बाबा तो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। मीडिया के भाई, लहर बड़ी करारी है और चीलम पे साइकिल भारी है, लगा के आए हैं, लेकिन तिलक वाले ज्यादातर तो भाजपा के साथ कौन कर रहा है, अरे तिलक हमको विरासत में मिला है, तो चुराए तिलक हमसे, भाजपा वाले, भाजपा वाले तिलक चुराए हैं, नहीं तिलक हमको विरासत में दिए हैं, भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ तो कह रहे उनके साथ है, झूठ नहीं उनके साथ है, झूठा है, सब फरार है, कह रहे मुक्ति दिलवा दिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मुक्ति दिलवा के मंदिर बनवा दिए, कौन कह रहा है, अरे सब प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, अब जो तुरवाए हैं बुलडोजर बाहर जाने वाला है, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, फिर राशन लेके क्या करेंगे, खा के बस बैठे घर में, खा कर घर में बैठे बस,
रोजगार चाहिए हम लोगों को, रोजगार दे। रोजगार नहीं मिला क्या? नहीं मिला है। परिवर्तन की लहर चल रही है। मार्च के बाद फ्री राशन भी नहीं देंगे। फ्री राशन तो फ्री राशन के लिए आगे नहीं मिल रहा है। केहू कितनो गोली दागी साइकिल लिए आगे कमल कमल का फूल उठ गया, कीचड़ में चल गया, खाना के साइकिल पंचर हो गया। साइकिल का टायर रेडियल है, वो अपने आप चल रहा है। मुरझा गया फूल, मुरझा गया साइकिल, साइकिल छड़ी चापत बा विरोधियन का खड़िया पाटन। आप देखे होंगे ये जितने भी नए युवक हैं ये बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार हैं, इनको रोजगार देने के लिए अखिलेश यादव को आना जरूरी है, महंगाई कम करने के लिए अखिलेश यादव को आना जरूरी है, और ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी सरकार को इस भारत देश से दूर भगाने की जरूरत है, इसलिए अखिलेश यादव आना जरूरी है। बनारस के हैं कि नहीं है? मैं बनारस का हूँ, मैं बनारस का परमानंदपुर ग्राम सभा निवासी हूँ, शिवपुर विधानसभा से। मैं बनारस में मोदी जी ने कितना विकास किया है भैया? भ्रष्टाचार किया है, उसका जांच होना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए, भ्रष्टाचार किया है। अच्छा ये बताइए, यही ये अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट था, इसमें बनारस के कितने युवक को रोजगार मिला? इस सड़क बनाने में बनारस के कितने युवकों को रोजगार मिला हमको बताइए आप? मंदिर तो कॉरिडोर तो बना दिए भैया, मंदिर की यहाँ जरूरत नहीं है। मंदिर की जगह अगर वो अस्पताल बनाए होते, एक मिनट, अगर अस्पताल बनाए होते, कल कारखाना बनवाए होते तो इन बेरोजगारों को रोजगार मिला होता। मंदिर आस्था का विषय है, उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे हमारे अखिलेश भैया हो। नल नल तो नल जल योजना तक घर तो पहुंचा दिया साफ पानी। मेरे भाई जल नल योजना की बात करते हो? बहुत से अभी ऐसे गाँव गिरा है जहाँ पे आपको जल नल का कहीं पता नहीं होगा। पूरे बनारस में तो है। अरे नहीं भाई साहब, चल के आगे देख लीजिए गांव में। रोड चौड़ा कर दिए जाम से मुक्ति। मेरे भाई रोड चौड़ा कर दिए, जाम से मुक्ति हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो चौड़ीकरण का काम हुआ है, इसमें कितने हमारे बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं प्रधानमंत्री? इसका जवाब देते कौन काम किया हमारे बनारस का व्यक्ति बताइए? कहते तो हैं मोदी जी 4.5 लाख रोजगारी, अब फिर आएंगे फिर देंगे। ये बताओ अभी आप लोग देखे होंगे 36 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, कहते हैं आएंगे तो भरेंगे। अरे भाई साहब 5 साल में क्या डमरू बजा रहे थे? 5 साल डमरू बजा रहे थे योगी जी, डमरू बजा रहे थे 5 साल योगी जी डमरू बजा रहे थे, रोजगार नहीं दे पाए, वैकेंसी क्यों खाली पड़ी हुई? करें दे देंगे आएंगे तो। अरे भाई साहब ये क्यों जुमलेबाजी, जुमले दे रहे हैं सब। अब नहीं आएंगे क्या? अब ये नहीं आएंगे, 2024 गई, 22 तो गई, ये 2024 में लेके गई, 24 में गई। हाँ 24 में लेके गई। बनारस किला है मोदी जी का भाई साहब, बनारस किला है मोदी माई का बेटे आए, मगर इनका कैरेक्टर जो ढीला है। गंगा माई का, गंगा माई ने बुलाया भैया, गंगा माई ने बुलाया था और यही विश्वनाथ बाबा ने ढकेला था उनको। आपने देखा होगा बाबा विश्वनाथ जी धरती पे पैर रखे कैसे लड़खड़ा के गिरे थे प्रधानमंत्री जी। हाँ, दिए ना दो बार। मेरे भाई वही जुमले वाले बात करके 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, गैस फ्री में मिलेगा, फलना ढिकना ये वो क्या? अरे भाई साहब आज सिलेंडर फ्री में देकर के 1050 रुपए की टंकी मिल रही थी। आना जवा। ये भैया अनाज की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है। मेरे पास ये रहेगा ना ये रोकड़ा तो हम अनाज खरीद लेंगे। रोजगार की जरूरत है, युवा जो है यहाँ पे बहुत सारे युवा है, क्या कर रहा है अभी 1 साल हो गया एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया, ना ही रिजल्ट दिए ना ही अगली भर्ती। एक वर्ष में दो भर्ती आती थी लेकिन उसमें नहीं आई। तो संकल्प पत्र में निकाले आएंगे, खाली पत्र को भरेंगे? नहीं भरेंगे, भरना होता तो इतना खाली रहता। 3 साल से वैकेंसी रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है? बच्चों का रिलैक्सेशन देंगे? देंगे जो एज बढ़ गया, इतना पैसा लगा कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं मेहनत से, उसकी भरपाई कौन करेगा? नाराज है बच्चों को, युवाओं को नहीं जा रहे हो कि भर्ती देंगे पर कोई भर्ती नहीं। इतने सालों में उन्होंने क्या भर्ती दी? सारे एग्जाम कैंसिल होते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सारी चीजें कैंसिल कर दी गई, युवाओं को कोई फायदा नहीं, हर तरफ से नुकसान ही हो रहा है। और इस बार कितना भी कोई कर ले अखिलेश सरकार ही आएगी। युवा साथ है बिल्कुल, बिल्कुल साथ है, युवाओं ने मन बना लिया, युवाओं का जोश, बुजुर्गों का सम्मान।
मोदी जी मुर्दाबाद युवा क्यों मुर्दाबाद? अरे वो कुछ नहीं कर दो, वो तो गाजा पी के सो जाते हैं। कहते हैं कि कुछ मिला है क्या यार रैली माने? पैसा से मुझे नहीं मिला। चलो दिखाए हम अपने आप में, हमारे गांव में सब जबरदस्ती आकर पैसा दे रहे हैं। कहियो तो वीडियो दिखाए। कौन दे रहा पैसा? सब बीजेपी वाले आकर जबरदस्ती दे के जा रहे हैं पैसे। धोती दे रहे हैं, अपना झंडा लगवाने के लिए पैसे दे रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हम लोगों को रोजगार दो, हिम्मत है तो रोजगार दो। पैसे क्या थमा रहे हो? बस चार दिन के लिए आ रहे हो जुमलेबाजी करने? भैया नौकरी सोकरी ना हो तो 5 साल हो गए दौड़े दौड़े थक गए हैं हम लोग। इसके वजह से समाजवादी समाजवादी नौकरी ना मिले थे दौड़े दौड़े थक गए, रोजगार भी उठाए। 20-30 रुपया लीटर दूध बिक रहा है, जो अखिलेश के भैया के राज में 90-100 रुपया लीटर दूध बिक रहा था, अब तो इस समय दूध भी नहीं बिक रहा है। नहीं पंचर नहीं होगा, जीतेंगे अखिलेश भैया। पंचर होगा तो हवा भरेंगे, पंचर बनाएंगे, तब क्या नौकरी देंगे क्या अखिलेश भाई? आएंगे जरूर देंगे, एकदम देंगे। चलिए बीजेपी का अनिल भर है ना, हम लोग गाँव में घुस नहीं रहे हैं। नहीं घुस रहे हैं, इतनी दहशत है ना, जो झूठे वादे करके गए हैं पूरा नहीं हुआ है। हाँ। किस लिए आएंगे? किस मुंह से आएंगे वोट मांगने? नहीं आएंगे, आने ही नहीं देंगे कोई। क्या नाम है? बाबूलाल यादव। अरे यादव हैं तो फिर अखिलेश भाई के साथ रहेंगे। हाँ अखिलेश यादव साथ हैं हम। हाँ मोदी जी के साथ क्यों नहीं? मोदी जी के साथ नहीं है हम लोग। पहले तो दे दिए। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पहले तो दिए ना। अरे कैसे दिए थे? मशीन में गलती हो गई थी। हम कैसे देंगे मोदी को? अखिलेश है तो अखिलेश को दिया जाएगा, मोदी को दिया जाएगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अखिलेश यादव को दिया जाएगा। अखिलेश यादव जीतेंगे, फ्रॉड करके वोट ले लेंगे। 10 तारीख को पता चल जाएगा को गए के गया के आया। क्या कर भैया? मोदी जी को तो हम लोग कभी वोट नहीं दिए। मोदी जी को हम लोग कभी वोट नहीं दिए। हाँ मोदी जी को कोटा नहीं दिया हम लोग। ऐसा बनारस में जीत जाते हैं? बनारस में तो अपने फ्राटगिरी से जीतते हैं मोदी जी। आगे 8-8 दिन 10-10 दिन रहते हैं, उनका क्षेत्र विकास करने आते हैं। और विकास देख लीजिए कहाँ पे विकास हुआ, कहीं विकास हुआ बनारस में? बात सुनिए, वो आते हैं जब बनारस में ना, कितने मरीज उसी तरह मर जाते हैं, कितने रोड पर फुटपाथ पे दुकान लगे, 1 रुपए की दुकानदारी नहीं होती है। एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलती है, एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलती है कि नहीं? पर मोदी जी के आने से कई लोग मर जाते हैं। अच्छा जाम लगने कैसे मर जाते हैं? अरे जाम की वजह से एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलती है, मरने दो। मोदी आए हैं, मोदी के रोड शो चलेगा, जनता मरे उससे नहीं मतलब हमसे। लग रहा है कि क्या लग रहा है भाभी भैया भाभी को लेकर बार अखिलेश सरकार क्या भैया भाभी को लेकर अखिलेश सरकार क्यों अखिलेश सरकार? अरे आएगा 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 वजह तो वजह बहुत यहाँ पे कह रहे हैं कि रोजगार की जरूरत है। युवा जो है यहाँ पे बहुत सारे युवा है, क्या कह रहे हैं? युवा हो क्या करते हो? अखिलेश तो आएंगे, क्या मतलब अखिलेश यादव जीतेंगे? अरे भैया क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? की अटुआ योगी मोदी खराब है और क्या? बहुत अटुआ यहाँ पे महंगा क्लास में इंटर में इंटर हो गया कि इंटर हो गया है फिर 12वीं के बाद इंटर करोगे? उसके बाद बीए करेंगे। बीए लैपटॉप नहीं लेना क्या? लैपटॉप लेना है। किसका लेना है? अखिलेश यादव से। अब योगी जी वाला? योगी जी से नहीं लेंगे, योगी जी दे ही नहीं रहे तो कहां से लेंगे? 12वीं के बाद इंटर करेंगे। किसको मिला है 12वीं के बाद? 12वीं के बाद इंटर होता है कि बीए होता है, ग्रेजुएशन होता है? गृह मंत्री तो कह रहे हैं। गृह मंत्री अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानते। पढ़े लिखे होते तो जानते कि इंटर के बाद क्या होता है। ये बताइए आप कह रहे हैं इस बार बनारस में रिकॉर्ड टूटेगा क्या, गढ़ टूटेगा क्या भाजपा? भाजपा का गढ़ टूटेगा इस बार, बनारस की 8 विधानसभा सीटें सपा जीतने जा रही है। वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, वो उनका जुमला है, जो ऐसे जुमला 10 लाख का जुमला दिए थे ना, तो वही वाला जुमला फिर दे रहे हैं सबको, जनता के मन में भ्रम दे रहे हैं। युवा इस बार कहाँ है? युवा क्या पकड़े बांधे हैं कि ऐसे भीड़ इकट्ठा करना है? नहीं नहीं आए हम लोग रैली में भर्ती के लिए 2017 में क्या था कि अखिलेश यादव कह रहे बहुत भीड़ रहती थी लेकिन जीते नहीं थे। सर ऐसा है कि भाजपा वाले जो गलत कार्य किया चुगलखोरी किया वो चुगलखोरी ना किए होते तो अखिलेश सरकार 17 में ही बन जाती। लेकिन हिंदू मुस्लिम काम तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम को नहीं, सभी एक बराबर है, सभी सभी भारतीय है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है।
काम करेगा कि नहीं करेगा हिंदू मुसलमान? नहीं नहीं, 60 साल पहले कहाँ हिंदू, 60 साल पहले भी तो हिंदू थे, 60 साल पहले सब मुसलमान वो थे। हाँ भैया, अरे तो मंदिर बनवा दिया कॉरिडोर कासे में सबसे बड़ा, मंदिर खाने को देगा, मंदिर खाना और देगा, बताइए मंदिर क्या देगा? झूठा साड़ कहाँ से आ गया? झूठा साड़ कहाँ से? 200 सरसों का तेल सब क्या है? हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार तो गोबर से भी तो है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब केवल केवल बोल रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आदमी बेरोजगार टह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आदमी मजदूरी कर रहे हैं और कुछ इनका नहीं। सिर्फ जुमला है, जुमला इनका 15 लाख कहाँ गया है? जुमला 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, फिर आ गया क्या? आइए हमको दोनों। क्या नाम है? हमारा नाम रोहित कुमार यादव है, घर बसा हमारा। और आप जो एक कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये बहुत गंदी राजनीति होती है और ये हम हमेशा से कहते आते हैं। हमेशा कहता है वोट तो दे तो बीजेपी को, ऐसा है ही नहीं कि हम बीजेपी को। में कौन जिताया? हमने नहीं दिया था, जो जिनका जो दिमाग था, माइंड कन्वर्ट हुआ था, वो गलती कर बैठे थे, लेकिन अब अपनी गलती को गलती कर बैठा। हाँ, और अब वो लोग अपने आप को सुधारेंगे और इसलिए इतनी जनता जो है आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। अच्छा ये बताओ, कहते हैं कि रैली में पैसे लेके आते हैं, मिला है क्या? देखिए मैं स्वयं आया हूँ और मैंने स्वयं अपने पैसे से लोगों को तेल के लिए पैसा दिया, नाश्ता के लिए पैसा दिया। नेता नहीं हूँ मैं, अपना बिजनेस करता हूँ, अपना कमाता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं पैसा लेकर आऊँ, ठीक है। आज कोई भी आया हो, अगर कोई भी कह दे कि अखिलेश के नाम पर हमने पैसा लेकर आया है, तो बताइए हम नाम बदल लेंगे, परिवर्तन देखते हैं। एनी वन पर्सन कह दे कि हमने पैसा लिया है अखिलेश के नाम पर आने के लिए, तो नाम बदल लेंगे भैया। मोदी सरकार आए थे तो 500 रुपया दे रहे हैं। साफ तौर पे क्या कह रहे हैं? 500 रुपए दिए, 500 रुपए का एक व्यक्ति को दिए। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये पैसा पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं देते हैं, क्या पे काम करते हैं? आइए हमारे पास, इतना बढ़िया है, आइए हमारे पास। मैं करखियाव गाँव का हूँ, जहाँ पर इस समय अमूल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर मोदी जी आए थे और योगी जी भी आए थे, ठीक है। दूर दूर से लोग आए थे, सब बैठे थे, बातें भी कर रहे थे, भैया हमको 500 रुपये खर्चे, 500 रुपये तेल का आया है, स्वयं वो लोग बता रहे थे भीड़ जुटाने के लिए, फिर भी कोई भीड़ वहाँ पर जुटी नहीं थी। बिल्कुल साफ तौर पर पीछे जो है आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की सभा चल रही है, युवा जो है खासकर जहाँ पे जा रहा हूँ, युवाओं का जो भीड़ है, युवाओं का जो जोश है वो अखिलेश यादव के लिए की तरफ दिख रहा है, उनका जो रुझान है वो अखिलेश यादव की तरफ दिख रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ये जो रुझान है, ये जो भीड़ है, ये वोट तक पहुंचेगी, या फिर जैसे 17 में भी भीड़ बहुत थी अखिलेश यादव की रैलियों में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। अब जो देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार कह रही है कि 35 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ के बनारस में मौजूद हूँ, बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भाजपा के पास जो है 8 सीट है। हालांकि बनारस वासी जो यहाँ मौजूद है वो कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, युवा कह रहा है कि रोजगार पे वोट होगा, महंगाई पे वोट होगा, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।